Hi everyone, welcome to another informative video. So guys, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि 8 जुलाई से UPS का डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस शुरू हो रहा है. इसका मतलब आप किसी भी कोर्स में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं, ना कोई एंट्रेंस होगा और ना ही कोई इंटरव्यू, डायरेक्ट एडमिशन होगा. तो अब मैं आपको सारे कोर्सेज के क्राइटेरिया बता देती हूँ. जितने भी कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्टली. सो देयर विल बी नो एग्ज़ाम, नो एंट्रेंस, नो इंटरव्यू. आपको अपने परसेंटेज की बेसिस पे एडमिशन मिलेंगे. सो देयर विल बी नो एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड नो इंटरव्यू. यू विल गेट डायरेक्ट एडमिशन ऑन बोर्ड परसेंटेज. सो आपको डायरेक्टली एडमिशन मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेंटेज. यू हैव टू फिल द फॉर्म वाई नॉन एग्ज़ाम मेथड. आपको सिर्फ एक फॉर्म फिल करना है जिस बेसिस पे आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा. जितने भी कोर्सेज हैं उसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा. सो डायरेक्ट एडमिशन सारे कोर्सेज में अवेलेबल है. सो अब मैं आपको ये बताऊँगी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज क्राइटेरिया है. ऑल अंडर ग्रेजुएट एंड इंटरग्रेटेड कोर्सेज के लिए आपके 10th और 12th बोर्ड में 60% मिनिमम होने चाहिए, तभी आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल सकता है. इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इन बीटेक प्रोग्राम, सो आपके 10th 12th में 60% मिनिमम होने चाहिए और 12th बोर्ड में आपके पास PCM होना चाहिए. इट मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. इन तीनों सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 60% होने चाहिए. अगर आप किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 60% होने चाहिए. अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% मिनिमम है तो आप ईजली किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं. सो एवरीवन, अगर आपको UPS में डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है. आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना और 8 जुलाई से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. और अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किए हैं, आप उस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हैं. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. इफ़ यू डिड, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.